अगर इस घर में कोई दोस्त बनाए जिससे मैं बाहर भी दोस्ती बरकरार रखना चाहूँगा तो वो अंकित है। निमृत की कोई गेम ही नहीं है, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो सिर्फ लाइमलाइट में और चर्चा में इसीलिए थी क्योंकि अब्दू था। अगर आप सब भाई ये प्यार बरकरार रखेंगे तो क्या पता वापस भी चला जाऊँ। बिग बॉस के घर में आपकी जर्नी कैसी रही? देखिए, मैं जब गया था तो यही सोचकर गया था कि मैं अपना छाती छोड़ी करके सच्चाई से जाना चाहता हूँ स्माइल करते हुए, और वापस भी आऊँ तो ऐसे ही आऊँ और वही करते हुए आया हूँ। तो आई एम हैप्पी, और अगर आप कह रहे हैं कि छाप छूटी है इतने छोटे स्टैंड में तो खुशी होती है ये सुनकर। और सब इतने ज़्यादा इनक्रेज कर रहे हैं मेरे बिग बॉस घर के स्टे को, और आई एम वेरी हैप्पी जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, जो सपोर्ट मिल रहा है सबका। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल। क्या आप डिसअपॉइंटेड हैं अपनी छोटी जर्नी से? क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतने जल्दी आप इविक्ट हो जाएंगे? जी, मैं खुद से भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी तो बहुत कुछ बाकी था, बहुत एंटरटेनमेंट, बहुत ड्रामा, बहुतों के नकाब उतरने बाकी थे। और बट अगर आप सब भाई ये प्यार बरकरार रखेंगे तो क्या पता वापस भी चला जाऊँ। यू नेवर नो, ये गेम जो है वो उसका फॉर्मेट ही ऐसा है कि इतनी अनप्रडिक्टेबल है। अर्चना के साथ जो आपकी लड़ाई हुई उसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बुरा ये लगा कि वो लड़की इस लायक नहीं है कि आप उससे दो इज्जत की या प्यार की या सच्चाई की बातें कर सकें। और मैंने बहुत ही एक वल्नरेबल स्टेट पे ये सोचा कि एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो रहा है और उसे ऐसी बात बता दी कि जो जिसका उसने बाद में सिर्फ एक्सप्लॉइट नहीं किया, उसको कर्ज किया मुझे, और वो पर पता नहीं मुझे बहुत हर्ट हुआ था उस टाइम। मैं हंस के मैंने कोशिश की कि वो चुप हो जाए और लाउड होकर, पर जब बैठा तो मुझे लगा यार ये कैसी इंसान है, मतलब ये इसकी कोई हद नहीं है। आप हर बार सोचे कि इतनी घटिया हुई है, इतना नीचे गई है, पर वो अगली बार और भी ज़्यादा नीचे जाकर दिखाती है कि वो अंदर से कैसी इंसान है। तो उस पॉइंट के बाद मुझे लगा कि ये तो इस इंसान के साथ मैं अब एक मिनट भी अपना वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, और इसीलिए उसके बाद मैंने वो जब उनका एक पैटर्न है वो ऐसे गंदगी करती हैं, और फिर जब वीकेंड का वार आ रहा होता है तो उन्हें लगता है कि उनकी क्लास लगेगी, इसलिए जाकर सॉरी बोल देती हैं सबको। ये पैटर्न है, आप सबके साथ नोटिस कीजिएगा, वो सबके साथ करती हैं। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने उनको बोला मैं आप पे ट्रस्ट ही नहीं करता हूँ, आप अभी जो झूठा सॉरी बोल रही हैं मैं उसे एक्सेप्ट भी कर लूँ, बट अगर आप जाके दोबारा करके फिर सॉरी बोलेंगी तो क्या फ़ायदा है, तो आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। बिग बॉस के घर में अगर आप थोड़े दिन और रुकते तो आप किन किन कंटेस्टेंट्स के नकाब उतारते? किस किस तरह से? देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं प्री मेडिटेट करके जाता, और मैं बहुत ही जब गया भी था तो ओपन माइंडेड से गया था। हाँ, एज अ वाइल्ड कार्ड आपको बहुत सारों के बिहेवियरल पैटर्न पता लग जाते हैं, उनकी गेम थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, बट फिर भी मैं बहुत ओपन माइंड से गया था कि जिसके साथ जैसा कनेक्ट होगा, जैसी ट्यूनिंग होगी वैसा ही करूँगा। तो हालांकि मुझे जैसे शिव के बारे में मालूम था कि उसने जो किया बाहर और बिकॉज मराठी में किया, तब भी मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं सोची कि उसको टारगेट करना है। इसलिए जब उसने पहले जाते ही वीक में पहले ही टास्क में चीखना शुरू किया तो मेरे को कहता दिखाता हूँ बाहर तो आ, मैंने कहा क्यों तूने यहाँ पर कभी किसी को हाथ नहीं उठाया? तो उसको समझ आ गया और वो मैं कह के चुप हो गया, क्योंकि मुझे टारगेट नहीं करना था। अगर करना होता तो मैं उसको कभी पता ही नहीं लगने देता कि मुझे पता था, और सीधा ही फिर उसको बम फोड़ के सबके सामने करता ताकि फिर हर कोई उसे नॉमिनेट करता। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया क्योंकि वो टारगेट था ही नहीं मेरा। फिर उसने अगले दो हफ्ते चुप्पी साधी और स्वीट रहा मेरे साथ, पर जैसे ही थर्ड वीक में दोबारा से उसने ये गंदी गेम शुरू करी कि हम वॉशरूम के बाहर थे और मैं अंदर था और वो बाहर वेट कर रहा था, उसने जान के क्यों का मुद्दा बना के और ऐसा कहा कि अच्छा, जो बात मैंने कही भी नहीं उसको कहा, अच्छा हाँ ठीक है मुझे पता लग गया, अरे सब ने देख लिया रहने दो। और फिर वो अगर आप देखें तो वो आपसे बात नहीं करता है, वो जान के कैमरे में फीड करता है ऑडियंस को जैसे बता रहा है, और अपने झूठ को मास्क करके सच बताना चाह रहा है एक भोली शक्ल से। तो फिर दोबारा से जब उसने ये चीज़ अर्चना के सामने भी की कि हाँ अरे तू तो बहन है मेरी, जब साजिद जी उसको उसके साथ कनेक्ट कर रहे थे, तो मुझे लगा यार तू कितना झूठा इंसान है यार। और तब भी मैंने ये नहीं कहा अर्चना को कि देख ये सच्चाई है, मुझे ये नहीं था कि मैंने ना ही पास के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल्स में गया। मुझे लगा कि अगर एक इंसान कहता है कि उसके लिए ये बिग बॉस का जो मंच है वो इतना ज़्यादा मायने रखता है और ऑलमोस्ट पूजा है, उसने ये उसको शिद्दत से मांगा है, तो उसके साथ तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जब उसने काटा और उसको एवेक्ट हो रहा था, तो किसी ने उस पर तरस खा के या अपनी अच्छे दिल की वजह से, अपनी सच्चाई की वजह से उसको एवेक्ट होने से बचा लिया। पर इसने तो सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि उसके साथ वो इंस्टेंस हुआ, उसने उसको बाकायदा प्लॉट किया उस इंस्टेंस को अर्चना के अगेंस्ट, जैसा सलमान सर ने भी कहा था।
और वो प्लॉट करने के बाद जब वो उस मुद्दे पे पहुंचा और जैसे ऐसे करके कर 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 और फिर जब आया टाइम उसका डिसीजन लेने का, तो उसने फिर भोली शक्ल से बोला, नहीं सर कर दीजिए, नहीं तो ये बाकी सब भी गलत करेंगे। अरे तुम इससे भी ज़्यादा गलत करते आए हो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो इतनी इंसानियत तो रखो कि उसके लिए भी क्या मायने रख सकती है, गेम है, हर कोई वहाँ जीतने आया तो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे ऐसा करना चाह रहे हो, हाँ अगर जस्टिफाइड रीज़न हो, तुमने जो किया उससे बुरा हो तो ज़रूर करो, बट तुमने जो किया वो उसके आगे कुछ है ही नहीं और तुम्हें किसी ने माफ़ कर दिया और तुम ऐसे दिखा रहे हो। और फिर जब सलमान सर और बिग बॉस सजना को वापस ले आए तो कैसे वो दुबक के बैठ गया था, और आप ध्यान देखेंगे तो उसका नकाब उतरता है, ऐसे इंस्टेंसेस में बहुत बार उसकी सच्चाई दिखती है, और जो वो भोला नकाब पहन के दुनिया को बेवकूफ़ बनाता है कि मैं तो बहुत सच्चा हूँ, कॉमन में से हूँ और सबके सबके में ही हूँ और यहाँ खड़ा हूँ, तो ये सब उसका एक जो ढोंग है वो धीरे धीरे सामने आता है, जैसे वो उस दिन भी आया सामने जब उसने कोशिश की। ऐसे ही करके वो अगर आप कोई भी मुद्दे में देखेंगे तो वो किसी को बात पूरी नहीं करने देता है, वो ऊंचा जा करके हाँ पता लग गया, ऐसे कर लिया, देख लिया ऑडियंस ने देख लिया, जान जान के ऐसे दिखाता है ताकि उसकी सच्चाई बाहर ना आ जाए। तो इसीलिए मैंने कहा, और मैंने ये भी कहा था वो, देख ये बात मुझे लगता है आपका अपना दिमाग है, आपको जैसे डील करना है उससे कीजिए, नहीं भी करना है तो आप अपने जहन में रखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, और जो उनको सही लगा उन्होंने किया। अगर मुझे उसको टारगेट करना होता तो मैं तो बेवकूफ होता कि उसको पता भी लगने देता कि मुझे ये पता है। अंकित के एविक्शन को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या उनका एविक्शन फेयर था या फिर अनफेयर? और प्रियंका के साथ आपकी बॉन्डिंग घर में कैसी रही? देखिए फेयर अनफेयर का ना एविक्शन के लिए तो सही नहीं है, बट मुझे था कि हाँ ज़रूर वो क्लियर टारगेट था, और मेरे अगर इस घर में कोई दोस्त बना है जिससे मैं बाहर भी दोस्ती बरकरार रखना चाहूँगा तो वो अंकित है, क्योंकि मुझे सही में जानवा थोड़ा सुलझा हुआ लड़का लगता है, अच्छा लड़का लगता है, और हमने उतने ही 2 हफ्तों में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है, बातें अच्छी भी लिख रही है, एक दूसरे को जाना है तो, और इनफैक्ट 2 हफ्तों के बाद भी वो जब जा रहा था तो मुझे कहता कि यार प्रियंका का ध्यान रखियो, जो इतने 12 हफ्ते से सबके साथ था उनको नहीं कहा और मुझे कहा, तो कहीं ना कहीं वो सच्चाई हमारी एक दूसरे से कनेक्ट हुई इसीलिए उसने मुझे कहा, और मैं बहुत खुश हूँ अगर वो साथ में होंगे तो, और वो बाहर है अगर उसने ये देखा और मुझे कुछ भी उल्टा कहा या गाली दी तो आप सब रिस्पॉन्सिबल हैं, मैं नहीं हूँ बट ही इज़ अ वेरी गुड गाय, और सेम लाइक फॉर प्रियंका, वो अच्छाई वहाँ पर भी एक्सटेंड होती है, उसका अपनी समझ है, अपना तरीका है खेलने का, बट आई थिंक वो दोनों अच्छे बंदे हैं, अच्छे लोग हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। आपकी 3 हफ्तों की जर्नी में आपको क्या लगता है कि आपका गेम कहाँ कमज़ोर पड़ गया? देखिए मुझे नहीं लगता कि मेरा गेम बिल्कुल भी कमज़ोर पड़ा, क्योंकि वो कुछ भी प्री प्लान नहीं था। आप जब वहाँ घर में होते हैं आप सोचिए कि अगर आप प्लान करके जाएं, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो वो मुझे नहीं लगता कि काम करेगा, और वहाँ जो लोग जैसे थे, इसलिए मैंने जब शिव के साथ पहली बार हुआ तो मैं कह के बिल्कुल रुक गया, और अगले 2 हफ्ते तक वो बहुत सहमा सा था मेरे साथ, उसने कुछ पंगे नहीं किए तो मैंने भी नहीं बोला, जब उसने किए तो फिर मैंने कहा कि तेरी सच्चाई भाई सामने लाओ, और ऐसा नहीं है कि मैंने उसका मुद्दा बना के चीख के सबके सामने उसको ऐसे दिखाया, मैंने बहुत ही रिस्पेक्टफुल तरीके से बिना उसको इंसल्ट किए या डिसरिस्पेक्टफुली कहे कुछ अपना पॉइंट शेयर किया अर्चना के साथ, बाकी उसके पास था कि वो जो कैसा लगे जो मुझे लगा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्लान है वो कर सकता है। इनफैक्ट मुझे, मैं बाहर आया हूँ और सबने कहा है कि इतने ही टाइम में आपने इतनी सच्चाई से जो खेला है, चाहे वो कोई भी मुद्दा था या गुस्सा था या प्यार था या दोस्ती थी या नोकझोंक थी या टांग खींचना था, उसमें बहुत सच्चाई थी, और वो सच्चाई मैं यही चाहता था कि सब तक पहुँचे, और वो पहुँच पाई है तो मेरे इटसेल्फ ही वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। सो आई एम वेरी हैप्पी हाउ एवरीवन इज़, आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ऑल्सो प्लेजेंटली सरप्राइज कि इतने ही कम टाइम में अगर लोगों तक वो सच्चाई पहुँच पाई है और वो इतना प्यार मुझे दे रहे हैं, तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल रियली। आप जब घर में नए नए आए थे तो आपने शालीन को टीना का चमचा कहा था और टीना को फेक कहा था, लेकिन क्या बाद में इन दोनों को लेकर आपकी सोच में कुछ बदलाव आए? देखिए मुझे लगता है कि शालीन जो है उसके अंदर सच्चाई, और सच्चाई तो नहीं, उसके अंदर कुछ अच्छाई है जो कहीं कोने पे है, बट वो अच्छाई बाहर नहीं आ पाती, बहुत ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस में बाहर आती है, और उसके ऊपर इतने सारे नकाब उसने डाले हुए हैं जो अल्टरनेट रियलिटीज़ के हैं, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि किस टाइम पे कौन सा मास्क उतरा हुआ है और कौन सा काम कर रहा है, और इसलिए बौखलाया रहता है और बेवकूफ़ियाँ बहुत ज़्यादा करता है। तो जब तक मुझे लगा कि मैं एक सच्चाई से दोस्त की तरह उसे बता पाऊँ, सपोर्ट कर पाऊँ, मैंने किया। जब मुझे लगा कि तो वो
बेवकूफियाँ कर रहा है तभी मैंने उसके मुंह पे बोला, जब मुझे लगे कि वो गधापन दिखा रहा है तो भी मैंने उसे बोला, जब मुझे लगा कि वो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है और अग्रेसिव होने की कोशिश कर रहा है और बदतमीज़ी कर रहा है तो वो भी मैंने बहुत सच्चाई से सब उसके सामने रखा कि बॉस यही है एंड दैट इज़ मी, आई विल कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आपने साजिद खान को भी फेक कहा था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पर ये एक एक कमाल की चीज़ है, वो फेकनेस में भी ना आग पीछे वो कुछ भी करें, ये फॉर्मेट है मंडली में बैठ के कान भरें या कुछ भी कहें, पर वो जब इंसान सामने आता है ना तो वो बहुत मीठा बन के खेलता है और वो मुझे कहीं ना कहीं मैं अप्रिशिएट करता हूँ वो चीज़ को कि आप खेल रहे हैं गेम, आप मास्टरमाइंड है, आप ही घुमा रहे हैं, वो एक शव जो ऐसे घूम रहा है पकड़ के अपनी और फिर उसकी लगाम शिव जी के साजिद जी के हाथ में है तो भी सही सबको पता भी है, उसके बाद भी वो जब आके बाकियों से कनेक्ट करते हैं या बातें करते हैं या जो भी उनका गेम है वो भी उसमें इज्जत मेंटेन्ड है, अनलेस वो अर्चना के साथ है कि उसके साथ तो कोई इज्जत कर ही नहीं पाता है बिकॉज ऑफ हर, बट मुझे ये आई रियली लाइक दैट, तो फेकनेस चलती है। अब्दू जिस तरह से निमृत से अपनी दूरियां बना रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो बिल्कुल सही बात है, निमृत की कोई गेम ही नहीं है, उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो सिर्फ लाइमलाइट में और चर्चा में इसीलिए थी क्योंकि अब्दू था, और अब जब अब्दू ने बैकफुट पे आ गया है तो वो फिर ऐसे ऐसे हो गया, वो मेरा दोस्त मैंने खो दिया, अरे कैसी हवा में हो, तुम खुद ही तो कह रहे थे उसको कि ये नहीं होगा, तुमने ही उसको किया, उसके सच्चे इमोशंस थे और ठीक है वो रियलिटी है, आप दोनों का फ्यूचर अगर नहीं है आपको लगता, बट जब वो उस चीज़ पे फॉलो भी कर रहा है तब आप उल्टी गेम क्यों खेल रहे हो और आपके पास कुछ है ही नहीं करने के लिए, हाँ जो किसी ने कहा वो मुद्दा दिखा के चिपका दिया या सेम लोगों को टारगेट करके नॉमिनेट कर दिया, और मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था यार, 3 हफ्ते में ऐसे पहले मैं नहीं किया, मैंने कहा करो सारे नॉमिनेट जिसको करना है, तो मैं वो निडर इंसान हूँ और बिना डरे खेल के आया हूँ और यही दैट्स द फॉर्मेट ऑफ द गेम, मैंने कोई जाके किसी के चापलूसी नहीं करी है कि हाँ मुझे नॉमिनेशन से बच जाऊँ, दैट्स नॉट मी। अपने फैंस को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? यस बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ और इतना सारा ऐसे सीना में जो चौड़ा करके गया था वापस आया वो और ज़्यादा चौड़ा हो गया है आप सबके मैसेजेस देख के, आप सबके कमेंट्स देख के, आप सबका प्यार देख के, और अभी बहुत लंबी जर्नी हमें साथ में तय करनी है, तो प्लीज़ अपने ये जो प्यार है आपका, ये जो इज्जत है, जो ये रिस्पेक्ट है और जो खुशियाँ हैं इसको बरकरार रखिएगा और ऐसे भर भर के दीजिएगा, मेरी काफ़ी अच्छी वाइड रीच है मेरी, मैं सब बटोर लूँगा और प्लीज़ हो सकता है कि आपका ये प्यार एक्सटेंड होके ये वॉइस स्टार्ट होके बिग बॉस बोल दें विकास को वापस ले आओ, या नहीं तो फिर इसके लिए कुछ और अच्छा जो भी होगा हम वो जर्नी साथ में तय करें, एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।